आप सबके सहयोग से बहुत बढ़िया कार्यक्रम चला हुआ है। वो बताया कि सेठ पने की बात याद कर हृदय कांपता डर के 200 रुपये बांध लियो ने बेटा गहने धर के भोजन बांध दिया मन सन नु घणी कुशामद करके कह लक्ष्मी चंद चलिया तारा चंद नु घोट सबर की भर न्यू बोला तू बेटा कर मोद सेठ करा हा टोटे का मोदी में हर तारा चंद्र सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में। सजना अब वो सेठ तारा चंद इकलौते लड़के चंद्रगुप्त को 200 रुपए के बदले गिरवी रखकर 200 रुपए लेके अरे मनसा सेठ द्वारा बांधा गया भोजन लेके हापुर शहर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। ये लंबा सफर था, पैदल के रास्ते थे, चलते चलते शाम हो जाती है और शाम के बाद वो मनसा सेठ दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पे एक नदी हो करती थी जिसका नाम था अरनंदी, जिसको आज हिंडन नदी के नाम से जाना जाता है। जब उस अरनंदी नदी पर पहुंचा मन में विचार आया कि बस तू थक लिया, एक काम कीजिए पहले स्नान कीजिए बाद में बाकी के सफर को तय कीजिए। अब वो सेठ ताराचंद वो 200 रुपए की नोली मनसा सेठ द्वारा बांध होया भोजन नदी के कंठारे रख कर कपड़े उतार के जैसे नदी के अंदर स्नान करने जाता है, स्नान कर कब बाहर आया वो कपड़े जो के तो मिले पर वो 200 रुपये रो खाने का भोजन गायब मिला। नदी के कंठारा बैठ कर रोने लगा के 200 रुपये खाने का भोजन दरिया घाट पर आके आनंदी तेने जुलम करे मैं क्यों सो पाया ना। अब रोता बिलकता अपने घर को चला जाता है, घरा दयावती सेठानी बाट में बैठी के कोड़ा अड़ सेठ आवे 200 रुपये ले आवे और तू घर के खर्च के लिए अंजल द्रव्य का सजनो। जैसे घर में गया सेठ ताराचंद की गर्दन झुकी हुई, सेठानी ने सवाल करा कि सेठ जी लिया वो दाम ले कुछ खाने की व्यवस्था करते। इतनी सुनते सेठ ताराचंद रोने लग जाता है, सारी कहानी बता दी के रास्ते में मेरी गेला न्यू लू पीर मर्द रोने लग जाते हैं। अगर पड़ोसी लगे तने मारने के न तो औलाद भी भेज दी पर इनका नहीं पूरा पाटा भाई। अब वो सेठ सेठानी आपस में बातें करते हैं, वो सेठ ताराचंद पुराने दिनों की याद दिलाता है कि एक तो टाइम था वो और एक टाइम है आज का। कैसे क्या कहता है कहता वाला न्यो बोला रे कदे कदे धन चोर चोर के हम जमी में कटाया करते
बड़े बड़े पंडित मेरे बताते बड़े बड़े पंडित मेरे बताते इनू वेद पढ़ाया करके साथी कलाकार भाई बोलू बहुत मान सम्मान पहले 50 रुपए से और हौसला करते हैं भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर दो पर दादा ने कैसे क्या लिखा क्या होता सबत्या के दान पुण्य में सबत्या के